पिंटू भाटी जैसा हो, किसानों जीता रहो, पिंटू भाटी जीता रहो। दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पिंटू भाटी है वार्ड नंबर 7 से जिला पार्षद उम्मीदवार हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। थोड़ा भाई साहब रुकना, थोड़ा रुक जाना भाई साहब। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, रोड शो आपने निकाला, प्रचार भी किया, जनता से क्या अपील की आपने? जनता से यही अपील है कि आने वाली 22 तारीख को उगते हुए सूर्य के सामने बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से मुझे विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करें। अच्छा अच्छा, पिंटू भाटी की पहचान। और भी उम्मीदवार मैदान में है, आपके छाया में आपके कुछ वोट कट रहे हैं, तो आप क्या अपील करेंगे अपने गाँव वालों से? अगर वोट कटेंगे तो नुकसान आपको होगा। मेरी यही सबसे अपील है कि आप अपने हिसाब से, सब बुद्धिजीवी हैं, जो अच्छा कैंडिडेट है, जो आपके बीच में रहने वाला कैंडिडेट है, उसे वोट दें। वैसे मुझे 36 बिरादरी, मैं आश्वस्त हूँ, मुझे 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, बिल्कुल मैं जीत के आऊंगा, आपके सामने मैं कह रहा हूँ। क्योंकि प्यार जनता, आप देख लो कि आप दिखा दो अपने लाइफ में कितनी जनता मेरे साथ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता का आशीर्वाद है, जनता चुनाव लड़ रही है तो जीत निश्चित है और बिल्कुल आश्वस्त रहे। क्या चुनाव चिन्ह मिला सर? उगता हुआ सूरज। कौन से नंबर पे है? छठे नंबर पे उगता हुआ सूरज का निशान है। पानी पीजिए, सबको पता भाई उगता हुआ सूरज छठे नंबर पे, सबको पता भाई। सबको पता है, सबको पता है चुनाव चिन्ह के बारे में। एक उगते सूरज को तो उठते भी नमस्कार करते, झुकते भी नमस्कार करते। आपको लग रहा है जीत पक्की है भाई? ये पब्लिक जन सैलाब आपको अपने आप महसूस करा देगा। मेरे सामने वाले अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनका चेहरा आप देख लो, बात कर लो, ये पब्लिक और जन सैलाब अपने आप बता देगा आपको जीत निश्चित है या नहीं है। ये तो चुनावी दौर है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अगर समाज सेवा की बात हो भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये समाज सेवा में आगे रहते हैं? सही में बताना। आगे रहते हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, आगे रहे हैं। ये हमारा भाई बचपन से ही आगे रहा है, बचपन से ही खेल कूदों में रहा है और समाज के बीच में रहा है, और ये बटा कर्मठ जुझारू ईमानदार रहा है, इसलिए आज एक पग पे चल रहा है तो ये सत्य के पग पे चल रहा है। चलो ठीक है, देख रहे हैं, जोरदार समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और जनता ने इनकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बस एक अपील करेंगे 22 नवंबर के लिए, क्या अपील करेंगे? मैं कह रहा हूँ आने वाली 22 तारीख को उगते हुए सूरज के सामने का वाला बटन दबाकर अपने बेटे, अपने लाडले को, अपने सेवक को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। यही मेरी जनता से अपील है, यही आपके दर्शकों से और सबसे 36 बिरादरी से यही मेरी उम्मीद अपील है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जोरदार सपोर्ट मिल रहा है, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ भी देखो माला वाला पहनाई जा रही, इधर आ जाओ कैमरा मैन, देखिए पिंटू भाटी तो माला पहनाई जा रही है, तो पब्लिक भी समझ गई है जीत इन्हीं की होने वाली है। और इसी वजह से देखिए खुला सपोर्ट, खुला समर्थन मिल रहा है नरहावली गांव में। वैसे कई गांव में इनको सपोर्ट मिला हुआ है, आज अभी नरहावली गांव में आए हैं तो वहां भी इनको खुला सपोर्ट मिल रहा है। पब्लिक ने मन बना लिया है कि इन्हीं की जीत दिलानी है। पिंटू भाटी पहले से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, जनता को कभी भी कोई दिक्कत होती है वो उनके साथ खड़े होते हैं, तो जनता भी समझ रही है कि पिंटू भाटी को जिताएंगे, जिला पार्षद बनाएंगे तो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहेगा और जब भी हमें कोई दिक्कत होगी तो पिंटू भाटी हमारी मदद करेगा। इसके अलावा जो भी जिला पार्षद के काम होते हैं, जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, जनता समझ रही है कि वो जिम्मेदारियां भी पिंटू भाटी निभाएंगे और उनका हमेशा साथ देंगे। तो यही वजह है कि इस तरह गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। देखिए साफा बांधा जा रहा है, एक मुकुट भी पहनाया गया है पिंटू भाटी को,
जनता ने आश्वस्त कर दिया है कि भाई 22 नवंबर को वोट इन्हें ही देंगे। और नरहावली बस्ती उगते हुए सूरज का बटन दबाना है, पिंटू भाटी ने यही अपील की है पूरे नरहावली गांव वालों से। वैसे जितने भी गांव हैं उन सब से इनकी यही अपील आएगी, क्योंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। और थोड़ा सा हम दिखाएंगे, देखिए उगता हुआ सूरज, ये चुनाव चिन्ह है, वार्ड नंबर 7 चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज। तो दोस्तों हमने पिंटू भाटी से बातचीत की, हमने गांव वालों से बातचीत की, हमने तमाम समर्थकों से बातचीत की और सब ने खुला सपोर्ट पिंटू भाटी को दे दिया है। बाकी दिखाएंगे जब इनकी जीत होगी, 27 नवंबर को जीत होगी, फिर से आपको इनसे मिलाएंगे। बाकी ये ताऊ है नरहावली गांव से, इनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। ताऊ राम राम, गाँव के रहने वाले हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जान सकते हो, लेकिन इनका प्यार है मेरे प्रति और इनका आशीर्वाद है कि आज ये मेरे लिए बहुत दूर से चलकर, मतलब इनका घर थोड़ा दूर है और यहाँ आए हैं, परिवार एक ही है वैसे, इस जगह पे आए हैं और इतने तकलीफ के बावजूद ये प्यार ही तो है, आप देख रहे हो। अगर आप चाहते हैं ये पार्षद बने जिला पार्षद, सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रहेगा। वैसे और भी कैंडिडेट आते होंगे, एक तरफा है जीत होने वाली है, देखिए 101% जीत होने वाली। देखिए बुजुर्ग हैं, इनको पता है लहर किसकी है, तो लहर पिंटू की है, इसीलिए ताऊ कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और भी एक्सपीरियंस होगा तब तो, सिस्टम का एक्सपीरियंस होगा। बाकी देखते भैया सब सपोर्ट है, एक तरफ बता दीजिए, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।